केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी इस स्कीम के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। अग्निपथ स्कीम के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। शुक्रवार को बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तेलंगाना तक युवाओं की उग्र भीड़ ने जमकर हंगामा किया। कई जगह से ट्रेनों को आग के हवाले करने की तस्वीरें भी सामने आई। बिहार के समस्तीपुर में शुक्रवार को सुबह जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगा दी, जिससे ट्रेन की दो बोगियां जलकर खाक हो गई। तो वहीं यूपी के बलिया में युवाओं की उग्र भीड़ ने जमकर हंगामा किया और कई ट्रेनों में तोड़फोड़ की। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने कुछ ट्रेनों की बोगियों को जला दिया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया की हैं, जहां अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे युवाओं ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। बलिया रेलवे स्टेशन पर धुलाई के लिए खड़ी एक ट्रेन में युवकों ने आग लगा दी, जिससे इसकी एक बोगी धू धू कर जल गई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार तड़के अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं की भीड़ बीर लॉरिक स्टेडियम में एकत्रित हुई, जहां से भीड़ बलिया रेलवे स्टेशन पहुंची और लाठी आक्रोशित भीड़ ने रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने प्लेटफॉर्म की दुकानों व निजी बस को भी निशाना बनाया। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर बितर कर दिया। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा वाराणसी के कैंट स्टेशन पर भी युवाओं की भीड़ ने जमकर हंगामा किया। वाराणसी में एक बस पर भी पथराव किए जाने की खबरें हैं। बिहार में भी पटना से लेकर समस्तीपुर, बेगूसराय, हाजीपुर सहित कई जगह आक्रोशित युवाओं की भीड़ ने जमकर बवाल काटा। कई जगह ट्रेनों में आग लगा दी गई और तोड़फोड़ भी की गई। हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने तोड़फोड़ की तो बेगूसराय के लखमीनिया रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने आगजनी कर विरोध जताया। पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। दानापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगियों को आग लगा दी गई। इसके अलावा जमकर तोड़फोड़ भी की गई। बिहार में विरोध प्रदर्शन की आग डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर तक पहुंच गई। उपद्रवियों ने रेणु देवी के घर पर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने NH-727 सुप्रिया रोड में जमकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की तो वहीं भीड़ ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर पथराव किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया। इसके अलावा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर भी पथराव किया गया। हरियाणा में भी अग्निपथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के वल्लभगढ़ सब डिवीजन में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। अगले 24 घंटे तक सेवाएं बंद रहेंगी। सेना भर्ती विवाद में हिंसा की आशंका को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें तेलंगाना से भी सामने आई हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने कुछ ट्रेनों की बोगियों को जला दिया, साथ ही यात्रियों पर भी पथराव किया। अग्निपथ योजना का विरोध पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज पर भी किया गया, जहां पुलिस ने इन लोगों को तुरंत हटाते हुए रास्ता खाली करा दिया। राजधानी दिल्ली में भी अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली के ITO पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसा कार्यकर्ताओं ने ITO पर विरोध प्रदर्शन किया, हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। वहीं दिल्ली के भजनपुरा में भी उग्र युवाओं की भीड़ ने पत्थरबाजी की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दूसरी तरफ सड़क पर उतरे छात्रों का गुस्सा कम करने के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना में बड़ा संशोधन किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। बता दें कि इस योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल करीब 40,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे।